मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से, मकरोनिया चौराहा। एमपी में बड़ा लोचा हो गया कमबख्त। सत्कार अधिकारी ने सीएम की ऐसी आव भगत की कि कमबख्तों ने साहेब को चालू चाय पिला दी। अब डीलक्स चाय की जगह चालू चाय की यह बात पूरे एमपी में इस कदर वायरल हो रही है कि हम बता नहीं सकते। अब सरकार के पास सब कुछ है, कमबख्त अधिकारियों के पास दूध चाय की पत्ती और गैस के इतने लाले पड़ गए कि साहेब को ठंडी चाय पिलानी पड़ी। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि एक नोटिस एसडीएम ने सीएम के सत्कार में तैनात एक अधिकारी को दिया है कि सीएम को ठंडी चाय पिलाने वाले तत्काल जवाब दो। असल में मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर के राजनगर का है, जहां 9 जुलाई को सीएम साहब राजनगर आए थे, तभी कमबख्त यह हरकत हो गई। हालांकि सरकार खुद उज्ज्वला योजना के तहत गैस वितरण करती है, इसी गैस पर अगर चाय गर्म करके सीएम साहब को पिला देते तो कमबख्त अधिकारियों की आज नाक नहीं कटती। लेकिन सत्कार अधिकारी ऐसी हरकत कर बैठे कि पूरे प्रदेश में नौकरशाही की तू तू हो रही है। अब राजनगर की यह ठंडी चाय पर कांग्रेस बड़े खुश है और चुटकियां ले रही है। अब इस ठंडी चाय पर सियासत गर्म हो गई है। चाय अगर ठंडी हो जाए तो वो डीलक्स चाय की श्रेणी में नहीं, बल्कि वह चाय चालू चाय की श्रेणी में आ जाती है, ऐसा हमें बुजुर्गों ने बताया है। अब कुछ अधिकारियों की बदौलत ही जनता कभी कभी सरकार से नाराज हो जाती है। हालांकि इस चाय के मुद्दे से जनता को कुछ लेना देना नहीं है। अब इन एसडीएम साहब की सुन लो, इन्होंने कहा है कि यह चाय सीएम साहब ने नहीं पी। हाँ, अगर सीएम साहब यह चाय पी लेते तो बस इसी को लेकर हमने कारण बताओ नोटिस सत्कार अधिकारी को दिया है। पिलाई गई हम लोगों को, पिलाई गई थी ठंडी चाय, और यदि वही चाय उनके लिए उपलब्ध करा दी जाती तो विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होती। मैंने राकेश कनौवा के लिए अधिकृत किया था, वो जब हम लोग 11:30 बजे के लगभग वो चाय पी रहे थे तो बिल्कुल ठंडी चाय थी, तो यदि ऐसी चाय वीवीआईपी को जाती तो अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने उसको नोटिस जारी। हालांकि अब खबर है कि कलेक्टर ने यह नोटिस निरस्त कर दिया है, लेकिन चाय का यह मामला जो बेहद गंभीर है, इस मामले में कैबिनेट की बैठक को कोई ठोस निर्णय लेना होगा। अगर चाय सरकार है तो केतली अधिकारी है, और आजकल चाय से ज्यादा कमबख्त केतली गरम दिख रही है कसम से। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट।